सो गाइस, सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की न्यू वीडियो, एंड ये वीडियो अपडेट पर है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखेगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो यार, मैं आपको आज, एक तो हमें पता है कि आइस विजिट आने वाला है, बट एक आइस विजिट कह रहा हूँ, क्या कहते हैं अपना, इलेक्ट्रो विजिट आई थिंक नाम है उसका। मैंने यार इतना गौर नहीं किया क्योंकि स्टडी वगैरह स्टडी की वजह से। सो यार, अपनी गेम भी लोडिंग हो चुकी है, टाउन हॉल 11 में है आज हम। सो यार, मैं आपको आज एक सुपर ट्रूप, मतलब जो आने वाला सुपर ट्रूप लावा होंड है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो एक्चुअली आइस लावा होंड है, एंड पहले तो हमारा जो विजर्ड आया था, सुपर विजर्ड, वो देख लेते हैं वो कैसा होता है। गाइस, जैसे ये बिल्डिंग्स है ना 6 इकट्ठी, अगर जैसे हमारी ये स्पेल फैक्ट्री है, डार्क स्पेल फैक्ट्री, इसकी ओर से अगर हम करेंगे ना इसको, विजर्ड को डिप्लॉय, एंड इकट्ठे बिल्डिंग्स होंगे, तो 6 के 6 बिल्डिंग्स को आइस विजर्ड क्या कहते हैं अपना, इलेक्ट्रो विजर्ड हिट कर सकता है। सो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है, इसका फनल भी बहुत अच्छा बनेगा, एंड ऑल जो भी हमारे, क्योंकि कई बार होता है फनलिंग में दिक्कत आती है तो ट्रूप भटक जाते हैं। सो अब से ऐसा नहीं होगा। सो बट यार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम में एक ही सुपर ट्रूप कर सकते हैं, अभी मैंने किए नहीं है, 2-3 पता नहीं शायद हो पाए के ना, मेरे को एक्चुअली ज़्यादा पता नहीं है। मैं अभी क्लैश ऑफ क्लैन बस वॉर अटैक्स कर रहा हूँ, एंड लेजेंड लीग में अटैक्स कर रहा हूँ। सो लास्ट अपडेट, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन के नॉन, मतलब पिछले अपडेट को सोचे हो, टाउन हॉल 13 का अपडेट, सो बहुत बिग अपडेट था। आई थिंक दिसंबर में आया था या फिर नवंबर में आया था, पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं है, अक्टूबर नवंबर में। सो ये इस बार का सबसे बड़ा अपडेट, एंड ये देखिए अब मेरे क्लैन वासियों के काम, यार ये बिल्कुल ही नहीं, मतलब अटैक करना भूल ही जाते हैं, ऐसे प्रमोट नहीं होते। तो चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ो, हम जो टॉपिक पर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये देखो, इसे कहते हैं नेट, भाई साहब इतना स्लो नेट, लोडिंग तक नहीं हुई, एंड देखो वाईफाई आ गया। सो गाइज यार, मैं आपको आज बताऊंगा कि आइस लावा होंड कैसे काम करता है, क्या उसके फंक्शन है। अभी फिलहाल तो हमारे सुपर ट्रूप देख लीजिए कितने हैं, एंड अभी ये 10 9 होंगे, तो ये 9 से अभी 11 हो जाएंगे, 9 तो 11 हो जाएंगे भाई साहब। सो इसीलिए हमारा वॉल ब्रेकर भी, सो मैं आपको दिखाई देता हूँ अपना क्लिप, एंड अगर आपने अभी तक गोल्ड पास में नहीं, मतलब पार्टिसिपेट किया, तो कर लीजिए, एंड अभी हम चलते हैं अपने क्लिप में। सो मैं आपको दिखाऊंगा अपना क्लिप। सो गाइस देख लीजिए, ये अपना आइस लावा होंड आने वाला, आइस होंड नाम होने वाला है इसका, एंड ये देखिए इसका वर्क जैसे एयर डिफेंस पर है, एंड ये देखिए कितनी फ्रीज कर देता है, जैसे यहाँ पर है, ये देखिए लावा पप भी आते हैं, ठीक है ना गाइस, एंड इस पे देखिए इसको भी फ्रीज, एंड ये देखिए गाइस, ये पहले तो बहुत प्रॉब्लम आती थी ना कि जैसे क्वीन की, सो इसमें नहीं होगा ऐसा, इस बात चल रही थी क्वीन की, तो यार आगे होता था कि क्वीन लावा पप्स को मार देती थी, बट इस बार लावा पप्स क्वीन को मारेंगे, एंड मैं आपको स्टैट्स शो करने वाला हूँ इसके, अपने जो लावा होंड के, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो देख लीजिए, मैंने आपके सामने ये खोल दिया स्टैट्स, मतलब इसका स्पेशल एबिलिटी होने वाला है कि ये फ्रीज कर सकता है, वही जो मैंने आपको बताया। सो अभी इसके लावा पप्स को भी देख लेते हैं एक बार, उनका डैमेज वगैरह आपको मैं शो करूंगा, एंड सुनने में यह है कि इसका डैमेज 10,000 है, जबकि नॉर्मल लावा होंड का डैमेज 8,000 है। सो कोई चक्कर नहीं है, एंड क्योंकि यार हाउसिंग स्पेस इसकी, मैं बता दूं, हाउसिंग स्पेस इसकी है 40, तो 40 स्पेस कम नहीं होती, तो इसीलिए डैमेज तो ज़्यादा होगा ही। सो अभी इसके लावा पप्स को भी एक बार नज़र देख लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया फेवरेट एनी है इनका, एंड डैमेज सिंगल टारगेट एंड ग्राउंड एंड एयर एंड मूविंग स्पीड भी बहुत है। सो यार ये लावा पप्स थोड़े से कम रह रहे हैं, मतलब मैंने देखा ना जैसे, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो आप जैसे यूज़ करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। सो यार मैंने आपको सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अभी वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, एंड देखते रहिए अपना चैनल पुनीत एंड नवनीत। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।